वाले हैं कहीं घूमने, वो एक सरप्राइज। जो अच्छे वाला एक्सपीरियंस होता है ना वो। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज है डे 3। इस समय हम हैं हेज कैंसास में और हमें जाना है कोलोराडो स्प्रिंग्स। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 312 माइल, आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 500 किलोमीटर्स, और हमें डिस्टेंस कवर करने में लगेगा 5.5 आवर्स। तो हम पहुंचेंगे 3 बजे, हमारा चेक इन भी नेक्स्ट होटल में है 3 बजे के आसपास, और वहाँ से हम जाने वाले हैं कहीं घूमने, वो एक सरप्राइज़ है, वहाँ पहुँच के आपको बताएंगे। तो अब टाइम है ब्रेकफास्ट को रेट करने का। ब्रेकफास्ट इन लोगों ने बहुत छोटी मोटी सी दी, उन्होंने कहा COVID-19 है तो हम आपको पूरा कुक्ड ब्रेकफास्ट नहीं दे रहे हैं। तो इन लोगों ने कुछ इंस्टेंट ओट्स दिए थे, एप्पल दिए थे, कॉफ़ी दी थी और सीरियल बास दिए थे। तो इनमें से मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि सब मीठा होता है, तो मेरे लिए ब्रेकफास्ट कुछ खास अच्छी नहीं थी। तो आई वुड लाइक टू रेट 3 out of 5। कोरोना है तो आई थिंक इट्स ओके, वॉट एवर दे प्रोवाइडेड वॉज क्वाइट गुड। इन 4 पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए ओवरऑल रेटिंग जो मैं इस होटल को दूंगी वेस्ट वेस्टर्न प्लस को, वो है 3.5 out of 5। सो इफ यू वॉन्ट टू एन्जॉय आर जर्नी एंड वॉन्ट टू एन्जॉय आर रोड ट्रिप, कम अलॉन्ग। ये जो आप खेतों में ब्राउन ब्राउन देख रहे हैं ना, ये सारी वीट है। जितनी भी मैं स्टेट्स में घूमी हूँ वहाँ पे मैंने सिर्फ कॉर्न लगा हुआ देखा है, क्योंकि ये लोग कॉर्न जो है चिकन्स को फीड करते हैं, तो इसलिए कॉर्न ज़्यादा उगाते हैं। तो ये है मैन्युफैक्चर्ड होम, जिसे मोबाइल होम भी कहते हैं। इसे फैक्ट्री में बनाया जाता है अंडर स्ट्रिक्ट स्पेसिफिकेशंस। बहुत ही अफोर्डेबल घर होते हैं। जब एक बार ये बन जाता है ऑफ साइट, तो इसे साइट पे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और वहाँ पे इसको लोकल पावर, वाटर और सैनिटरी सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। तो काफ़ी अफोर्डेबल घर होते हैं ये। सो गाइस, दिस इज़ रियल कैंसास, जहाँ दूर किलोमीटर्स तक मुझे गेहूँ लगी हुई दिख रही है। और मैं आपको ना एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ, यहाँ के फार्मर्स के घर बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े बांस हैं, और अंदर ही उन्हें बहुत बड़े मेडोज बनाए हैं जहाँ पे उनकी गायें बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वे में चल रही हैं, और साथ में हैं उनके बड़े बड़े ट्रैक्टर्स, इक्विपमेंट्स, स्प्रिंकलर्स। तो वो खुद भी बहुत ऑर्गेनाइज है। इतने बड़े खेतों को ऑर्गेनाइज करने के लिए ना आपको खुद भी ऑर्गेनाइज होना बहुत ज़रूरी है। तो मज़ा आता है उनके घर देख के भी, उन्होंने बड़े बड़े फार्म हाउसेस बनाए अपने ही खेतों के अंदर। और मुझे लगता है इन लोगों को ना झमघट में रहना, झुंड में रहना, इकट्ठे रहना कुछ पसंद नहीं, कि इन सबके घर अलग अलग रहते हैं। इवन जब ये अपने टाउन में होते हैं ना, तब भी बहुत ही दूर दूर इनके घर होते हैं, और इनको नेचर और यू नो रॉ लाइफ से बहुत प्यार है। तो हम जब भी कहीं जाते हैं ना घूमने के लिए ट्रेल्स में, तो जंगलों के अंदर एक अकेला घर इन्होंने बनाया होता है। तो मुझे कई बार लगता है यार, रात को इतनी अंधेरे में जंगल के अंदर को डर नहीं लगता? तो बाद में मुझे पता चला कि नहीं, दिस इज़ व्हाट दे लव एडवेंचर, मतलब इनके खून में ही है वो एक्सप्लोरिंग प्लेसेस और अकेले रहना और नई नई जगह घूमना, मतलब इसीलिए हमें सड़कों में भी इतने कैरावैंस देखने को मिल रहे हैं। तो ये है लो ट्रेन। कैंसास जो कि एक वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट है, यहाँ पे आपको जगह जगह पे रेल लोडिंग टर्मिनल्स दिख जाएंगे विद लार्ज स्टोरेज बिल्डिंग्स। तो इन बिल्डिंग्स में क्या किया जाता है, ग्रेन्स जैसे कनोला हो गया, वीट हो गया, कॉर्न हो गया, सोयाबीन्स हो गए, स्टोर किए जाते हैं जब तक कि उनको US मिलिंग मार्केट ना पहुँचा दिया जाए, या फिर टिल द टाइम दे आर सेंट टू द पोर्ट एलिवेटर्स टू बी एक्सपोर्टेड टू द अदर कंट्रीज़। तो इन रेल लोड टर्मिनल्स में होता क्या है कि यहाँ पे रेल्स को जो है लोड किया जाता है विद ग्रेन्स, और कई रेल लोड टर्मिनल्स पे तो ऑटोमेटेड कन्वेयर सिस्टम भी अब आ गए हैं।
वे टू कोलोराडो स्प्रिंग्स। हम सुबह निकले थे हेज कैंसर से, हम 50 माइल के करीब डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। और आपको एक बात बताऊँ, हमें लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं। जो अच्छे वाले एक्सपीरियंस होते हैं ना, वो हम थोड़ा जो है याद रखते हैं और भूल नहीं पाते हैं। तो ये भी जो कैंसर्स का एक्सपीरियंस है ना, कुछ उन्हीं एक्सपीरियंसेस में से एक है, अच्छे वाले एक्सपीरियंसेस में से। कि वो जो एक्सपीरियंस जब आप फर्स्ट टाइम लेते हैं ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, क्योंकि आप इतने ज़्यादा एक्साइटेड और इतने ज़्यादा खुश होते हो। एंड राइट नाउ सेम इज़ माई कंडीशन, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्रेस द होल ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। So Suman, do one thing, show this to everyone, so they decide for themselves. Yeah, I'm really running short of words to explain this whole thing. Means सरप्राइज है, हम आपको कोलोराडो स्प्रिंग का सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट पे लेके जाने वाले हैं, जो कि है गार्डनर गॉड्स। और इसके बारे में हम आपको वहां पहुंच के बताएंगे। अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं हमारी जर्नी, जो कि हम ले रहे हैं, हम कर रहे हैं एक रोड ट्रिप फ्रॉम ईस्ट कोस्ट ऑफ यूएस टू वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएस, राइट? तो चले अब हम करेंगे इस प्लेस को एक्सप्लोर। तो गाइस, हम फाइनली पहुंच गए हैं अपने रूम के अंदर और ये टाइम है होटल को रेट करने का। तो हमारा पहला क्राइटेरिया था हाउ हेल्पफुल इज़ अ स्टाफ। तो जब हम फ्रंट डेस्क पे पहुंचे चेक इन के टाइम पे, तो जो लड़की वहाँ पे थी उसने फटाफट से हमारा सारा पेपर वर्क किया, जितनी कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज उसे एक्सप्लेन किया और अच्छे से एक्सप्लेन किया। और साथ में शी वॉज़ वेरी कर्टियस, वेरी पोलाइट। तो उस बेसिस पे मैं स्टाफ को दूंगी 4.5 out of 5। और सेकंड क्राइटेरिया था हमारा हाउ क्लीन आर द रूम्स। तो जहाँ तक मैं अपना रूम देखूँ तो जितना भी फ्लोर है इज़ वेरी क्लीन, प्रॉपरली वैक्यूम्ड है, जितने भी फर्नीचर है उनके सर्फेसेस प्रॉपरली डस्टेड हैं।
और टॉयलेट जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज़ लाइक वेरी वेरी क्लीन, वेरी नीट एंड टाइडी. जितनी टॉयलेटरीज होनी चाहिए सारी हैं, बॉडी लोशन, शैम्पूज और क्लेंजर्स और सोप सब कुछ है. टॉवल्स दे आर वेरी वेरी क्लीन, वाइट और बहुत अच्छे हैं. जहाँ तक बेड्स का सवाल आता है, मुझे अभी तक सिर्फ प्रॉब्लम थी बेड्स के कि जहाँ पे भी हम जा रहे थे लिनन बिल्कुल क्लीन नहीं था. यहाँ आप देखिए कंफर्टर भी वाइट इन कलर है, बेडशीट भी वाइट इन कलर है, तो सारे के सारे स्पॉटलेस है, बिल्कुल साफ़ है, वाइट है, पिलोज भी बिल्कुल वाइट है. तो क्लीनलेस के लिए मैं दूंगी इनको 4.5 out of 5. और थर्ड हमारा क्राइटेरिया था हाउ कम्फर्टेबल आर बेड्स. सो बेड्स आर रियली कम्फर्टेबल. मैंने बैठ के देख लिया है, कुशनिंग बहुत प्रॉपर है, अच्छी है. तो बेड्स के लिए आई डेफिनेटली गिव 5 out of 5. सो गाइज अब बचा ब्रेकफास्ट की रेटिंग, वो हम करेंगे कल सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद. बट जिस तरह से इनके फ्रंट डेस्क के स्टाफ ने मुझे एक्सप्लेन किया है और जिस तरह से इन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री कॉफ़ी, लेमन और कुकी सर्व किए, तो लगता है कि ब्रेकफास्ट बहुत अच्छी होने वाली है. चलिए और पूरे होटल की हम रेटिंग करेंगे जब हम इस होटल को छोड़ेंगे, चेकआउट करेंगे तब. और अब टाइम है हमें एक्सप्लोर करने का गार्डन ऑफ गॉड्स. तो यू गाइज come along and we'll explore the place.